अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज हम ई इलेक्ट्रॉनिक बुक्स में देखने जा रहे हैं कि टीचर्स को इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इफेक्टिव तरीके से हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है और ये स्टडी 2020 में हुई थी और इस स्टडी के अंदर ये बताया गया है कि चाहे प्रिंट बुक्स हों या इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हों उनको पढ़ाने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ का करना ज़रूरी है जिससे बुक्स पढ़ाने का जो मकसद है वो बेहतर तरीके से अचीव हो सकता है डेफ़िनेटली बुक्स पढ़ाने का जो मेजर मकसद है वो क्या है लिटरेसी डेवलपमेंट है और लिटरेसी uh, डेवलपमेंट uh, है विकैबरी डेवलपमेंट है टेक्स्ट कॉम्प्रिहशन हमारे सामने मौजूद है सो so, जो भी हमारी कन्वर्सेशन बच्चों के साथ होती है हम प्री रीडिंग इस्ट्रेटीज़ इस्तेमाल करते हैं और बुक पढ़ाने डायरेक्टली पढ़ाने से पहले या पढ़ने से पहले रीड अलाउड करने से पहले जो इंटरेक्शन करते हैं उसकी क्वालिटी क्या है वो कैसी है ये इसके बारे में तो अब हम देखेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ई बुक को भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो हमारे पास रिसर्च एंड साइट क्या मौजूद है प्राइम के क्वेश्चन इस स्टडी के अंदर ये है कि उन्होंने डिजिटल ई बुक को भी लिया है और उसके साथ आपकी प्रिंट बुक्स को भी लिया है उनको कंपेयर किया है और दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटीज को इस्तेमाल करते हुए एक शेयर्ड अटेंशन और प्रायर नॉलेज अब ये शेयर्ड अटेंशन और प्रायर नॉलेज क्या है उसके बाद उन्होंने इसके इफेक्ट देखे हैं शेयर अटेंशन या आप जॉइंट अटेंशन जो है ये एक टर्म uh, है 2003 में हमें uh, टोमेसलो ने ये टर्म दी थी इसके अंदर वो ये कहता है कि ये एक सेंकनइज अटेंशन है जो आप और आपके साथ जो आपके स्टूडेंट होते हैं आप, आप दोनों की टेंशन इकट्ठी हो जाती है और आप एक थर्ड फैक्टर के ऊपर वो अटेंशन अपनी फोकस करते हैं मिसाल के तौर पर डिस्कशन से आपके स्टूडेंट और आपके दरमियान एक अटेंशन सन्कनइज हो जाएगी और किसके ऊपर थर्ड चीज़ क्या हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हो सकती हैं या प्रिंट बुक हो सकती हैं उनके फीचर्स हो सकते हैं जो हमें स्टडीज़ बताती हैं वो ये बताती हैं कि इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कोर रिलेशन है बच्चों की विकैबरी डिवेलपमेंट के साथ उनकी वर्ड लर्निंग के साथ और अगर टीचर उसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के तौर पे लेसन प्लान बना के अच्छे तरीके से इन स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों की अटेंशन जो है बड़ी बेहतर तरीके से कैच होती है और इसके बहुत अच्छे लर्निंग रिज़ल्ट हमारे सामने आते हैं शेयर अटेंशन प्राय नॉलेज के साथ हमारे पास जॉइंट अटेंशन है जिसके अंदर uh, क्या चीज़ मौजूद है इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम किताब को बच्चों को दिखाते हैं या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ई बुक्स हैं तो आप एक्चुअली बच्चों को फेस करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ई बुक्स उनको दिखा के किताब पढ़ने से पहले उसके इंटरेस्टिंग फ़ीचर्स उनके साथ शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं एग्जामिन uh, कर सकते हैं किसको उसकी कवर को आप देख सकते हैं कि कवर पे जो इमेजेस हैं क्या वो कोई स्पेशल मैसेज तो नहीं दे रहे क्या उसके पीछे कोई इंटरेस्टिंग मीनिंग तो नहीं छुपा हुआ आप uh, बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि क्या आप ये किताब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या जो सीरीज़ में है इसकी कोई पुरानी सीरीज़ पढ़ चुके हैं अगर बच्चे पढ़ चुके हैं तो वो आपको ये भी बता सकते हैं कि इस बुक के कितने पेजेस हैं सो so, इस किस्म की डिस्कशन जो है बच्चों की अटेंशन जो है वो एक तरफ ले आती है और एक जॉइंट अटेंशन जो है वो फोकस हो जाती है आ, बच्चे और टीचर एक दूसरे से जब सवाल जवाब कर रहे होते हैं अपनी शेयरिंग कर रहे होते हैं किताब के बारे में आज जो भी उनको सामने चीज़ें नज़र आ रही होती हैं तो डेफ़िनेटली उनकी इंगेजमेंट आपस में एक दूसरे के साथ बढ़ जाती है आ, इंस्ट्रक्टर क्या चीज़ें हैं जो मेक श्योर sure करें स्पेशली उसको ये मेक श्योर sure करना चाहिए कि बच्चों और उसके दरम्यान में अगर कोई खिलौने पड़े हैं तो वो उनको हटा दे क्योंकि स्क्रीन है और स्क्रीन बच्चों को दिखानी है और वो भी बच्चों के सामने उनके सामने फेस करके बैठे हुए हैं डेफिनेटली जो टच स्क्रीन है वो एक डिफरेंट एलिमेंट है जो बुक होती है प्रिंट वो एक डिफरेंट एलिमेंट होता है uh, चाहे वो किंडरगार्डन में हो चाहे वो आपकी फैमिलीज़ में हो हमें उसको क्लासरूम में किसी और तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि जो आपने स्क्रॉल करके पेज खोला है वो तमाम बच्चों को दिखाएं पास ऑन करें या अगर आप कोई उसके अंदर हॉट स्पॉट यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ करके बच्चों को दिखाएं और वन बाय वन उनको चांस दें ग्रुप्स में या इंडिविजुअली डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितने बच्चे बैठे हुए सेकंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जॉइंट अटेंशन के बाद कि बच्चों का जो प्रायर नॉलेज है किताब के बारे में या वो किताब जिस कॉन्सेप्ट के बारे में है उसके बारे में सवाल की जाए किताब को शुरू करने से पहले उसकी रीडिंग करने से पहले चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बुक हो चाहे वो प्रिंट हो सो प्राय नॉलेज को जब हम प्रॉप करते हैं तो किस किस्म की चीज़ें हमारे सामने आती हैं uh, बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं जो किताब में कॉन्सेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट उन्हें आते होते हैं वो याद होते हैं उन्हें वो आपको बताते हैं और आपको बताने से दूसरों को सुनने से वो नए कॉन्सेप्ट के साथ उसे कनेक्ट कर सकते हैं और उनको जो आप किताब पढ़ के सुनाने जा रहे हैं उसे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं डेफिनेटली जब वो सुनते भी हैं और जो दूसरे बच्चे शेयर करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होती चली जाती है प्राय नॉलेज को कैसे चेक किया जाए डेफिनेटली क्वेश्चंस के थ्रू अब टीचर्स किस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों से पूछ सकते हैं अभी आपके हाथ में कहानी है आपने उसे नहीं खोला और आपके पास बहुत से सवाल आते हैं जो आप बच्चों से पूछ सकते हैं और बच्चे अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन है जो पुरानी उनके पास इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपसे शेयर कर सकते हैं मिसाल के तौर पर आप टाइटल पेज बच्चों को दिखा के पूछ सकते हैं कि इसके ऊपर जो करैक्टर्स बने हुए हैं क्या आप करेक्टर्स को जानते हैं क्या आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या आपने इन्हें अपनी आम जिंदगी में देखा है क्या आप इन करेक्टर्स में ये जान सकते हैं कि ये आपस में दोस्त हैं या दुश्मन हैं कोई करेक्टर एक दूसरे से नाराज़ है या सारे करैक्टर मिल चल रहे हैं तो बच्चे अपनी इंसाइट अपनी थाट्स उन चीज़ों को देख के आपसे शेयर करते हैं और उसका फ़ायदा ये होता है कि उनकी इंगेजमेंट बढ़ती जाती है अब ये क्वेश्चन मामूली क्वेश्चन नहीं है हम इनको इंसाइटफुल क्वेश्चन कहते हैं बच्चे जब आपके इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सुनते हैं और उसमें जवाब देते हैं तो उनकी इंगेजमेंट बढ़ती है उन्हें ये पता चलता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आ उन बच्चों से इस एक्टिविटी में जो कि एक रीडिंग की एक्टिविटी है और वो प्री रीडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं हम चाहते हैं कि वो अटेंशन दें हम चाहते हैं कि वो इंगेज हो यही हमारा की पर्पज़ है प्री स्ट्रेटजीज़ का